और मैं हूँ आपके साथ शिवांगी पारिक। सावन का महीना हो और सावन के महीने में महादेव की पूजा न करें, ऐसे तो हिंदुस्तान में नामुमकिन है। महादेव को ऐसे ही देवादी देव नहीं कहते, भगवान महादेव ही सबसे सर्वशक्तिमान देवता हैं। इनकी पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले देव हैं। ये तो थोड़ी सी पूजा से ही हो जाते हैं प्रसन्न। इनके अभिषेक मात्र से ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान शंकर के पूरे विश्व में मात्र 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों का अपना एक अलग ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार ये सभी ज्योतिर्लिंग प्राणियों के इस मृत्यु लोक के दुखों से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। जिस तरह 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी प्रकार मनुष्य की भी 12 राशियां होती हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों का इन 12 राशियों से बड़ा गहरा संबंध है। इसी प्रकार शास्त्रों में भी विभिन्न राशि के व्यक्तियों के लिए भगवान भोलेनाथ के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की पूजा का महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं किस राशि के व्यक्ति को किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे बसा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कन्या राशि का ज्योतिर्लिंग है। इस राशि वाले भीमा शंकर को प्रसन्न करने के लिए दूध में घी मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमा शंकर का स्थान छठवां है, जो महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। श्रावण के महीने में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यह मंदिर अत्यंत पुराना और कलात्मक है। भीमा शंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई रचनाओं का समीकरण है। आगे और राशियों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।